दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसे अनकन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में जिसमें ग्लोबली डिबेट्स जारी हैं। देश में कई रीजन्स ऐसे हैं जहां शेल गैस की भरमारी पाई जा सकती है, पर इसे अनकन्वेंशनल इसलिए कहा जाता है क्योंकि शेल गैस होती तो नेचुरल गैस यानी मीथेन का ही फॉर्म है, पर अंडरग्राउंड शेल रॉक में पाई जाती है। दोस्तों कन्वेंशनल गैस सैंडस्टोन, सिल्टस्टोन या लाइमस्टोन में मिलती है। शेल गैस एक लेस परमिएबल रॉक फॉर्मेशन में पाई जाती है। परमिएबल का मतलब है परमिशन। ऐसे रॉक फॉर्मेशंस जो कम पेनिट्रेबल या पोरस होते हैं उन्हें शेल रॉक फॉर्मेशन कहा जाता है और इसमें मिलने वाली गैस को शेल गैस। ये फाइन ग्रेन सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं। 2015 में US के एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी EIA ने एक रिपोर्ट में बताया है कि ग्लोबली करीब 46 कंट्रीज में से 214.6 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर्स अनप्रूव्ड टेक्निकली रिकवरेबल शेल गैस के रिजर्व्स मौजूद हैं। इसमें से लार्जेस्ट एस्टिमेटेड रिसोर्सेज चाइना, अर्जेंटीना, अल्जीरिया, USA, कनाडा, पोलैंड और फ्रांस में मौजूद है। 2018 में लंदन स्कूल्स ऑफ इकोनॉमिक्स द्वारा पब्लिश्ड एक रिपोर्ट में बताया गया है कि 2040 तक वर्ल्ड नेचुरल गैस प्रोडक्शन का 30% शेल गैस कंट्रीब्यूट कर सकती है, ऐसा एक्सपेक्टेशन है। लेकिन शेल गैस कन्वेंशनल गैस से अलग कैसे होती है? कन्वेंशनल गैस रिजर्वॉयर्स में गैस ऑर्गेनिक रिच सोर्स से माइग्रेट होकर कैद हो जाती है जो अर्थ सर्फेस के करीब और कंपेरेटिवली पोरस रॉक फॉर्मेशन में होती हैं, जबकि शेल गैस अपने सोर्स में ही ट्रैप्ड रहती है और अर्थ सर्फेस के करीब माइग्रेट नहीं करती है। इसे इकोनॉमिकली ड्रिलिंग की कॉस्ट और वाटर सप्लाई की प्रॉब्लम्स सामने आती हैं जिन पर रिसर्च की जा रही है। दोस्तों ज़मीन में ड्रिलिंग के वक्त पानी की ज़रूरत पड़ती है और शेल गैस को एक्सट्रैक्ट करने में इनॉर्मस अमाउंट ऑफ वाटर नेसेसरी होता है। ऐसे में कई वाटर रिलेटेड कंसर्न सामने आते हैं क्योंकि पानी बाकी कामों के लिए काम पड़ने की चिंता होती है। इस शेल गैस के दोस्तों इंडिया में क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं, इंडिया में इसका पोटेंशियल है भी या नहीं, जानेंगे हम इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। इंडिया अपने नेचुरल गैस एक्सपोर्ट बिल को सिग्निफिकेंटली कट करने के लिए शेल गैस में वेंचर कर रहा है। हालांकि इस प्रोसेस के साथ कई चैलेंजेस सामने आते हैं जिसमें से एक है एनर्जी वाटर नेक्सस। इस नेक्सस में शेल फ्लूट का ग्राउंड वाटर से मिलाकर उसे कंटेमिनेट करने की प्रॉब्लम सामने आती है और इंडिया जैसे वाटर स्कार्स देश में और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की टेक्निकल लैकिंग के कारण इस इशू का सीरियस होना जाहिर सी बात है। ये प्रॉब्लम्स सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डाल सकती हैं यदि एक्सप्लोरेशन स्टेज पर ही इन्हें नहीं समझा गया तो फ्यूचर में इंडियन शेल गैस ड्रीम्स एक क्राइसिस बन सकता है। करेंटली इंडिया शेल गैस रिजर्व्स 7 इंडियन स्टेट में फैले हुए करीब 50 एलोकेटेड ब्लॉक्स में एक्सप्लोर कर रहा है। शेल गैस के चैलेंजेस इसके अनकन्वेंशनल होने के कारण सीरियस हैं, जबकि कन्वेंशनल गैसेस पोरस रॉक्स में इजिली एक्सट्रैक्शन से निकाली जा सकती हैं। शेल गैस का केस अलग है। जिन रॉक्स में शेल गैस होती है उन्हें एक्सटर्नल प्रेशर के साथ फ्रैक्चर करना होता है। इन एक्सप्लोरेशन में कई वेल्स बनाने पड़ते हैं, समटाइम्स हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी। इन वेल्स के जरिए प्रेशराइज वाटर जिसमें केमिकल्स होते हैं रॉक्स को तोड़ने के लिए इंजेक्ट किया जाता है। इस प्रोसेस को फ्रैकिंग कहते हैं और हर फ्रैकिंग एक्टिविटी में वूपिंग 5 to 9 million गैलन्स फ्रेश वाटर की ज़रूरत होती है। यह अनकन्वेंशनल गैस रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करने में यूज़ होने वाली प्रोसेस में लगने वाले पानी से 5 to 10 times ज़्यादा अमाउंट है। देयरफोर फ्रैकिंग एक्टिविटीज़ और पानी की इनॉर्मस रिक्वायरमेंट को देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट को स्पेसिफिक पॉलिसीज चाहिए ताकि शेल गैस का डेवलपमेंट किया जाए। ये नोट करना इंपॉर्टेंट है कि हाइड्रोकार्बन्स एज ए रिसोर्सेज लेजिस्लेटिव डोमेन में सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है। पानी कॉन्स्टिट्यूशनली स्टेट्स का मैटर है। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑयल और गैस ब्लॉक्स कॉरपोरेशंस को कॉम्पिटिटिव बिडिंग के जरिए एलोकेट करती हैं और बिडिंग में प्राइवेट और पब्लिक प्लेयर्स इक्वल राइट्स रखते हैं। 2018 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी यानी हेल्प इंप्लीमेंट की थी, जिसके चलते प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व पार्टी एलोकेटेड ब्लॉक में सभी तरह के हाइड्रोकार्बन्स को एक्सप्लोर कर सकती थी। ऐसे में प्रोपोनेंट कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल गैसेस साथ में एक्सप्लोर और एक्सप्लॉइट कर सकता था। फ्रैकिंग की प्रोसेस बाकी प्रोसेस से अलग है और इसे कंसीडर कर इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने 2012 में ड्राफ्ट पॉलिसी फॉर द एक्सप्लोरेशन ऑफ शेल पिल एंड गैस इन इंडिया रिलीज की थी। इस पॉलिसी ने शेल गैस फ्रैकिंग की इंडिया में इंपॉर्टेंस पर जोर देते हुए नोट किया था कि शेल गैस ग्लोबल नेचुरल गैस मार्केट में इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट रोल कर सकती है। हालांकि ड्राफ्ट पॉलिसी ने यह भी हाईलाइट किया था कि शेल गैस फ्रैकिंग के साथ पोटेंशियल इश्यूज भी होंगे।
जो मेजरली वाटर स्पेसिफिक है। इसके बाद मिनिस्ट्री के शेल गैस ब्रेकिंग प्रोसेस और नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए गाइडलाइंस फॉर एनवायरमेंटल मैनेजमेंट ड्यूरिंग शेल गैस एंड ऑयल एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन रिलीज की थी। इन गाइडलाइंस में फ्रैक्चरिंग से रिलेटेड बातों के अलावा वाटर मैनेजमेंट और वाटर सोर्सेज के डिप्लीशन की पॉसिबिलिटी के साथ साथ वाटर पॉल्यूशन के कंसर्न्स मेंशन्ड हैं। दोस्तों, वाटर स्पेसिफिक इश्यूज से डायरेक्टली और सीरियसली डील करने के बजाय ये गाइडलाइंस बताती हैं कि द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज द्वारा जेनरिक एनवायरमेंटल क्लियरेंस प्रोसेसेस इन प्रोजेक्ट के लिए सफीक होंगी। इन क्लियरेंसेस से फ्रेकिंग द्वारा पोस्ट किए गए वाटर रिलेटेड इश्यूज मैनेज हो जाएंगे, लेकिन दिक्कत यह है कि मिनिस्ट्री ने कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल गैसेस एक्सप्लोरेशन में पॉलिसीज, गाइडलाइंस या मैनुअल्स को अलग अलग तैयार नहीं किया है ताकि एनवायरमेंट क्लियरेंस अलग अलग दी जाए। इन गैप्स के बाद भी 1 अगस्त 2018 में कैबिनेट ने कंपनीज को शेल गैस को कॉन्ट्रैक्ट एरियाज में एक्सप्लोर करने के लिए अलाउ कर दिया। इन एलोकेटेड एरियाज में प्राइमरीली कन्वेंशनल गैस एक्सप्लॉइट होती है। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2018 तक शेल गैस फ्रैकिंग के संबंध में वाटर रिलेटेड इश्यूज अनरेगुलेटेड थे। इसके बाद कोई अपडेट मौजूद नहीं है। 2019 में हिंदू बिजनेस लाइन की एक रिपोर्ट में बताया गया कि 3 स्टेट्स में 36 फ्रैकिंग प्रोजेक्ट्स के एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट फ्लॉड हैं। इन असेसमेंट्स ने वाटर रिसोर्सेज पर इंपैक्ट्स को नज़रअंदाज किया है। दोस्तों, लेकिन शेल गैस के एक्सप्लोरेशन के बाद इंडिया में इसका क्या फ्यूचर होगा? यदि ये गैस इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्ट की जा सकेगी तो क्या इंडिया में इसके प्रॉस्पेक्ट्स हैं? इंडिया में दोस्तों शेल गैस डिपॉजिट्स ह्यूज क्वांटिटी में मौजूद है। ये गैंगेटिक प्लेन, असम, गुजरात, राजस्थान और कई कोस्टल एरियाज में मौजूद है। दोस्तों, लंबे समय से ग्लोबली गैस के शेल में मौजूद रही है, पर इसकी प्रोसेस के कॉम्प्लेक्स होने और अनइकोनॉमिकल होने के कारण इस पर ध्यान कम दिया गया। सो एक्सप्लोरेशन ट्रेडिशनली लाइमस्टोन और सैंडस्टोन में ऑयल और गैस पर फोकस रहा, जिनमें से कंपेरेटिवली आसानी से गैस और ऑयल निकाली जा सकती है। इंडिया में कई बेसिन्स हैं जहां ऑर्गेनिक रिच शेल गैस मौजूद है, जो मेनली कैम्बे, कृष्णा गोदावरी, कावेरी एंड दामोदर वैली बेसिन्स हैं। इनके अलावा कुछ पोटेंशियल सोर्सेज हैं जैसे अपर असम, विंध्यान, प्राणहिता गोदावरी एंड साउथ रिवा। हालांकि इन रिसोर्सेज के साथ दिक्कत है कि ये थर्मली बहुत इमेच्योर हैं और इन सोर्सेज पर डेटा कम है। इंडिया में शेल गैस बेसिन्स ज्योग्राफिकली बहुत कॉम्प्लेक्स हैं। कई बेसिन्स जैसे कैम्बे और कावेरी में हॉर्स और ग्रैबन स्ट्रक्चर है जो एक्सटेंसिवली फॉल्टेड है। सो शेल गैस के परस्पेक्टिव एरियाज कुछ सीरीज ऑफ आइसोलेटेड बेसिन्स, डिप्रेशंस यानी सब बेसिन तक रेस्ट्रिक्टेड है, जबकि इन बेसिन्स में शेल्स थिक हैं। पर कंसिडरेबल अनसर्टेनिटी बनी हुई है कि क्या ये गैस जनरेशन के लिए सफिशियंटली मैच्योर है। 2013 में दोस्तों ONGC ने अपना पहला शेल गैस वेल ड्रिल किया और कंप्लीट किया, जो नॉर्थ वेस्ट कैलकटा, वेस्ट बंगाल में बनाया गया था। इस वेल को 2000 मीटर्स तक ड्रिल किया गया था और रिपोर्टेडली इसमें परमियन बैरन मेजर शेल के बेस तक गैस शो की थी। इससे पहले कैम्बे बेसिन में 2 वर्टिकल वेल्स ड्रिल कर टेस्ट किए गए थे। दोस्तों, यदि प्रॉस्पेक्ट्स देखे जाएं तो फिलहाल इंडिया इस फील्ड में केवल रिसर्च स्टेज पर माना जा सकता है। पहले जो रीजन्स और बेसिन्स मेंशन्ड हैं वो सोर्सेज हैं, पर इन्हें एक्सप्लोर करने में फिलहाल काफ़ी कठिनाइयां हैं। मार्च 15, 2021 को ONGC की ऑफिशियल वेबसाइट अपडेट की गई है, जिनमें मेंशन्ड है शेल गैस एंड ऑयल एक्सप्लोरेशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी गाइडलाइंस के मुताबिक ONGC ने फेज वन में 50 पेट्रोलियम माइनिंग लीज ब्लॉक्स आइडेंटिफाई किए हैं। इसके अलावा 65 स्मॉल टू मीडियम हाइड्रोकार्बन फील्ड्स में 356 मिलियन टन्स के रिजर्व्स के मौजूद होने की एक्सपेक्टेशन है, इसलिए यहाँ एक्सप्लोरेटरी एफर्ट्स जारी हैं। करंटली ONGC के मुताबिक इंडिया में ऑयल 750 टू 800 टन्स पर डे और गैस 2.5 टू 3 मिलियन क्यूबिक मीटर्स प्रोड्यूस होती है। 2013 में पहले ड्रिलिंग एफर्ट्स सक्सेसफुल होने के बाद मार्च 31, 2017 तक 22 असेसमेंट वेल्स ड्रिल किए जा चुके हैं। इन वेल्स में से 5 एक्सक्लूसिव शेल गैस के लिए कैम्बे बेसिन में और 17 ड्यूअल ऑब्जेक्टिव वेल्स ड्रिल किए गए थे। इनसे मिलने वाले डेटा को जनरेट और इवेल्युएट किया जाएगा। ONGC ने कृष्णा गोदावरी बेसिन में शेल गैस को एक्सप्लोर करने के लिए 5 वेल्स ड्रिल करने के एनवायरमेंटल क्लियरेंस रिसीव किए हैं, जिसकी एस्टिमेट कॉस्ट 217 करोड़ होगी। ONGC ने ही KG बेसिन में शेल गैस और ऑयल के फर्दर एक्सप्लोरेशन के लिए एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री को प्रपोजल दिया था, जिससे क्लियरेंस मिल गया है। इस फाइनेंशियल क्लियरेंस के बाद वेल्स वेस्ट गोदावरी, बांटूमिली एक्सटेंशन, सूर्यारा ओपेटा, महादेवा पट्टनम,
एंड मंदापेटा एंड कृष्णा, वेस्ट गोदावरी एंड ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट्स में ड्रिल किए जाएंगे। प्रपोजल के मुताबिक 5 to 6 एकड़ जमीन हर वेल के लिए लगने वाली है और हर वेल को ड्रिलिंग में 90 to 120 डेज लगेंगे। लेकिन दोस्तों, ग्लोबली कंट्रीज फिलहाल किस स्टेज पे हैं? यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें तो लगभग 2000 के आसपास लार्ज स्केल नेचुरल गैस प्रोडक्शन शुरू हुआ था। शेल गैस प्रोडक्शन रियलिटी तब बनी जब नॉर्थ सेंट्रल टेक्सास में बैरनेट शेल स्टैब्लिश हुआ। बैरनेट शेल नेचुरल गैस का प्रोडक्शन मिशेल एनर्जी एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने पायनियर किया था 1980s में, और 90s में मिशेल एनर्जी ने कई ऑल्टरनेटिव मेथड्स के साथ एक्सपेरिमेंट किए और 2000 के आते तक कंपनी के पास हाइड्रोलिकली फ्रैक्चरिंग की सॉलिड टेक्नोलॉजी थी। इससे कमर्शियल शेल गैस वॉल्यूम्स प्रोड्यूस किए जा सकते थे। करेंटली अमेरिका में करीब 30 स्टेट्स में शेल गैस सोर्सेज हैं। एज ऑफ टुडे यूएस एनर्जी इन्फॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन की रिपोर्ट के मुताबिक यूएसए में ओवरऑल करीब 70 बिलियन क्यूबिक फीट शेल गैस प्रोड्यूस की जा सकती है। दोस्तों, शेल गैस के सोर्सेज ग्लोबली करीब 46 कंट्रीज में मौजूद हैं। ये सोर्सेज एस्टिमेटेडली 7,576.6 ट्रिलियन क्यूबिक फीट शेल गैस होल्ड करते हैं। हालांकि गिने चुने देश ही हैं जो इन्हें करेंटली एक्सेस कर रहे हैं। इन 46 देशों में से कुछ हैं नॉर्थ अमेरिका के कनाडा, अमेरिका, मेक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका में अर्जेंटीना, बोलीविया, ब्राजील, चिले, कोलंबिया, वेनेजुएला एक्सेट्रा। ईस्टर्न यूरोप के लगभग सभी देश, वेस्टर्न यूरोप में डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, नेदरलैंड्स, स्पेन, यूके और स्वीडन। इसके अलावा अफ्रीका, एशिया, मिडल ईस्ट और सब सहारन कंट्रीज भी शेल गैस रिसोर्सेज रखती हैं। दोस्तों, ग्लोबली शेल गैस हर कॉन्टिनेंट में फैली हुई है। दोस्तों, इंडिया शेल गैस को एक्सप्लोर करना शुरू करने जा रही है। यूएसए और कुछ देश प्रोडक्शन स्टेज पर आ चुके हैं। जाहिर है कि इंडिया काफी पीछे चल रहा है। 2012 से 2018 के बीच पॉलिसीज और डायरेक्टिव्स के साथ साथ गवर्नमेंट ने प्राइवेट प्लेयर्स को अलाउ किया है ताकि इस फील्ड को एक्सप्लोर किया जाए। हालांकि ये काफी नहीं है। यदि वर्ल्ड पावर की रेस में एनर्जी सेक्टर एक मेजर इकोनॉमिक एसेट बनकर सामने आने वाला है तो इंडिया को इस सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ने की जरूरत है। दोस्तों, इस एक्सप्लोरेशन के साथ इंडिया में वाटर मैनेजमेंट की गंभीर समस्या भी खड़ी होती है। वाटर मैनेजमेंट या गवर्नेंस एक स्टेट सब्जेक्ट तो है, पर यह डिस्प्यूटेड है। इसके साथ ही साथ जिन बेसिन्स में शेल गैस मिल रही है उसमें से कुछ ऑलरेडी डिस्प्यूटेड है, जैसे कृष्णा और गोदावरी रिवर्स। 1970 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने मॉडल ग्राउंड वाटर बिल प्रपोज किया था, जो 2005 में एक बेसिक वर्जन तैयार होने तक 3 बार रिवाइज किया गया। ये बिल पानी पर कम्युनिटी के राइट के इशू को टैकल तो करता ही है, पर ये ग्राउंड वाटर प्रोसेसेस में एडमिनिस्ट्रेटिव फ्लो और ग्राउंड वाटर ओनरशिप भी हैंडल करता है। ये इशूज फिलहाल स्टेट स्पेसिफिक लेजिस्लेशन से डील किए जाते हैं और इसलिए कुछ कंक्रीट लीगल स्टैंडिंग नहीं है। हालांकि शेल गैस के साथ केवल पानी से संबंधित दिक्कतें नहीं हैं, इसमें लोकेशन, अवेलेबिलिटी, मैच्योर गैस प्रोड्यूस एक्सेट्रा जैसी कई प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें अगले एक डिकेड में फ्लॉलेसली सॉर्ट करना तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ प्रोडक्शन स्टेज को पैरेलली तैयार करने का काम करना क्रूशल है। दोस्तों, शेल गैस को लेकर आपका क्या परसेप्शन है? क्या ये एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी होने वाला है कमिंग फ्यूचर में? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।